इसका सीधा सा आंसर है, अगर आपका मैथ्स में 46 है और ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 50% से ऊपर जा रहा है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, माई सेल्फ राजीव रंजन एंड यू आर वॉचिंग द एविएशन माइंड AYQ एपिसोड 3, यानी कि आंसरिंग योर क्वेश्चंस एपिसोड 3। मैंने दो एपिसोड ऑलरेडी दे चुका है आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग, एक इंस्टाग्राम से रिलेटेड, एक यूट्यूब से रिलेटेड, तो आप जाके देख सकते हो। सो आप सभी का स्वागत है एक और AYQ के एपिसोड में। सो जो आज का एपिसोड है ये बेसिकली एक स्टूडेंट क्या सोचता है जब वो एमी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, जब वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहता है और वो क्लास 12 पास कर चुका होता है, उसके दिमाग में क्या आता है जब उसका रिजल्ट आता है क्लास 12 का, तो उसके दिमाग में क्या आता है कि क्या मैं एमी कर सकता हूँ, क्या मुझे एमी में एडमिशन मिलेगा, तो इस चीज़ के ऊपर आज बात करने वाला हूँ। और इसी से रिलेटेड एक कमेंट आया है, वो भाई का नाम एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा, उर्दू में लिखा हुआ है, बट कमेंट पढ़ सकता हूँ, उससे उनका भी हेल्प हो जाएगा और आपका भी हेल्प हो जाएगा। सो ये लिखते हैं, हेलो सर, हेलो ब्रो, मेरे PCM में 50% से अबव है बट मैथ्स में 46 आए हैं, तो कोई दिक्कत होगी एडमिशन में। सो उनका जो क्वेश्चन है ये काफ़ी समझने वाला क्वेश्चन है और आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि देखो फिजिक्स में तो भैया 78 आया, केमिस्ट्री में 65 आया, लेकिन मैथ्स में मेरा 48 या 46 आया, तो क्या मैं एमी में एडमिशन ले सकता हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ इस चीज़ के लिए। सो देखो, अगर मैं CR के अकॉर्डिंग बात करूँ, यानी कि सिविल एविएशन रूल के अकॉर्डिंग बात करूँ, जो एमी में एडमिशन लेने के लिए जो प्रोसीजर है उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं लिखा रहता है कि आपको फिजिक्स में 50 चाहिए, 50 से ऊपर चाहिए, केमिस्ट्री में 50% से ऊपर चाहिए, मैथमेटिक्स में 50% से ऊपर चाहिए, तो उसमें एग्जैक्ट लाइन क्या लिखा हुआ होता है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सो देखो, एग्जैक्ट लाइन क्या लिखा हुआ है CR में, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एलिजिबिलिटी में लिखा है, द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड 10th plus 2 examination in physics, chemistry and mathematics from a recognized board or university or its equivalent। तो इसमें सीधा सीधा बोल रहा है कि आप पास होने चाहिए और आपका 48 मार्क्स है, 49 मार्क्स है, तो आप पास हो। और अगर बात करें परसेंटेज का, तो एग्रीगेट जो आपका तीनों मिला के जो परसेंटेज होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तीनों मिला के जो परसेंटेज होना चाहिए वो होना चाहिए 50% या उससे ज़्यादा। तो इसका सीधा सा आंसर है, अगर आपका मैथ्स में 46 है और ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 50% से ऊपर जा रहा है, तो आप एमी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। सो आई होप आपका और आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं उनका डाउट क्लियर हो गया होगा एमी को लेकर, एमी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कि आखिर इतने परसेंटेज पे अगर है या इतने परसेंटेज है तो क्या मैं एमी में एडमिशन ले सकता हूँ। तो जी हाँ, आप बिल्कुल ले सकते हो, आप फेल नहीं होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में से किन्हीं एक सब्जेक्ट में, और आपका जो टोटल परसेंटेज है वो 50% से ऊपर होना चाहिए, तब आप इजीली एडमिशन ले सकते हो, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, यही था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी ने और एक्साइटिंग वीडियो में एक और नए और धमाकेदार कंटेंट के साथ। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। और हाँ, अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हो तो फटाफट जाओ इंस्टाग्राम में फॉलो करो। इंस्टाग्राम का ID है यहाँ पर, इंस्टाग्राम का लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हो। हो सकता है कि अगला जो AYQ एपिसोड 4 हो वो आपके क्वेश्चंस का हो। चलिए मिलते हैं किसी नए एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू डबल बट प्लीज डोंट ट्रबल एनीबडी। टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नए हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।